नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फिलहाल अभी मैं काफ़ी रात से जाग रहा हूँ। अभी देख सकते हो हमारे यहाँ, आप देख सकते हो 3:44 हो रहा है, 3:44 हो रहा। तो अभी काफ़ी मतलब 3:30 से जग रहा हूँ, क्योंकि एसी पुराने मॉडल के तो आवाज़ बहुत कर रही थी तो नींद खुल जाती है। एसी आवाज़ करता तो नींद खुल जाती है, तो वैसे खूब नींद लगा रहता तो फिर पता नहीं चलता कि एसी चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि पुराने मॉडल के एसी है। तो कपिल को बोला था कि इसको ठीक कराने के लिए, तो बोला नहीं ठीक कर दूंगा। तो अभी चलता हूँ ब्रश व्रश करके, थोड़ा टहल वहल के आता हूँ बाहर पार्क में, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आदमी जग जाएंगे, और यहाँ के आदमी अक्सर दिन में सोते हैं और रात के समय में जगे रहते हैं। तो फिलहाल अभी चलता हूँ तो कोई नहीं मिलेगा, तो अभी मतलब 4 बजने वाला, तो आदमी जितने भी जग रहे होंगे तभी सो जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा पार्क खाली होगा। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं रात के समय में यहाँ के यहाँ पार्क में आदमी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं। तो चलो ब्रश व्रश करने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं ब्रश व्रश करके अभी बादाम छील रहा हूँ, क्योंकि कल दोपहर में 1 बजे भिगोया था, अभी 4 बज गया तो पूरी तरह से बादाम मतलब फूल गया है। तो चलो बादाम बादाम छील छाल के भी खा लेता हूँ थोड़ा। अभी कल का भिगोया एकदम फूल गया है बादाम एकदम। बादाम भिगो के खाने का फ़ायदा ही अलग है, क्योंकि उस तरह बादाम अच्छा नहीं लगता, खर्च मारता है। अगर भिगो दो ना तो एकदम मतलब 8-10, 5-6 घंटे के लिए भिगो दो, एकदम बादाम मस्त हो जाता है, खाने में बहुत टेस्ट बढ़ता है। तो अभी मैं खा वा के मिलते हूँ आपको, चलता हूँ बाहर भी थोड़ा टहल के आता हूँ, क्योंकि मूड ऐसे डिस्टर्ब रहता है। तो थोड़ा टहल के आते हैं तो फिर अपना नाश्ता पानी करेंगे। ते हैं दोस्तों बाहर, देखते हैं अंधेरा कौन जिला है। अभी देख सकते हो दोस्तों बाहर पूरा मतलब अंधेरा है। अभी बिल्ली देखो चढ़ के बैठी है इस पर, ये बिल्ली बहुत परेशान करती हैं। बिल्लियाँ ना हमेशा ये गाड़ी धो के रखो तुरंत गंदी कर देती है। एक यहाँ पर है, एक वहाँ सामने बैठी है, अभी आप देख सकते हो ये छोटी सी बैठी है। तो जैसा कि अभी पूरा रात है, अभी रात को 4:15-4 बजे हैं, अजान हो गया है, तो अभी चेहरा पूरा साफ नहीं आ रहा। तो चलते हैं थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, थोड़ा वॉकिंग करके आते हैं तो सही मूड हो जाएगा, क्योंकि मूड वैसे डिस्टर्ब रहता है यहाँ पर। तो अभी बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा मोहल्ला खाली है अभी बाहर तक, अभी देख सकते हो। तो अभी रात के समय इतना हवा तेज़ है यहाँ पर रात के समय, और मिट्टी बहुत रात में गिरा है, क्योंकि यहाँ मिट्टी अक्सर गिरता रहता है, हवा चलता है तो काफ़ी मतलब दिक्कत होता है गाड़ी वाड़ी धोने में, क्योंकि जिसके पास 5-6 गाड़ी होता है धोने के लिए उसको काफ़ी परेशानी होती है। मेरा तो एक ही है, मेरा कोई मुश्किल नहीं है, एक गाड़ी है तो उसको धो लेता हूँ। तो पूरा मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ रात के समय, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है। अभी देख सकते हो क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई और बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि यहाँ की बिल्लियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, ऐसे लगता है कि इनको खरीद के पाली जाती है, लेकिन यहाँ ऐसे आम बात है बिल्ली रहना। The next day. दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो दूसरा दिन आज हो गया, क्योंकि कल गया था ड्यूटी, कल गया था फारक, वहाँ से आया था तो तब से ड्यूटी नहीं लगा, क्योंकि कल बहुत सुबह जग गया था। तो आज अभी सो के उठा हूँ, तो ऊपर किरायेदार रहते थे तो उसने आवाज़ मारा, तो मैं दरवाज़ा खोला तो उनका गैस भराना था, तो अभी उनका गैस ये सामने रखा हुआ है, ये सामने गैस रखा हुआ, क्योंकि सुबह सुबह उसने गैस और पैसे दे के चला गए हैं, क्योंकि कभी मतलब ऐसा होता है कि उनका गैस भराने में उनका थोड़ा बहुत काम होता है तो कर देता हूँ, तो उसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ड्राइवर हमेशा रूम पे ही रहता है। तो उसने बोला मेरा गैस भरा दो, मैं आपको पैसा दे दूँगा, तो मुझे वो पैसे दे दिए मेरे लिए भी और गैस के अभी। तो अभी फ़िलहाल मैं खाना बना रहा हूँ, खाना वाना बना के दाल चावल बनाना है आज, क्योंकि आज दाल चावल खाने का दिल कर रहा है, तो आज दाल चावल बनेगा। तो अभी देखता हूँ कहाँ कहाँ जाना है आज ड्यूटी पे, आज ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कल पूरा दिन सोया था, बिल्कुल फ़ोन भी नहीं आया था मैडम का, कपिल का, कोई का भी फ़ोन नहीं आया था। तो आज देखता हूँ ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है पूरा दिन, क्योंकि कल पूरा दिन ड्यूटी नहीं लगा था। तो आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा ड्यूटी लगता है, कभी बहुत लगता है, कभी लगता भी नहीं है ड्यूटी। तो बस फिलहाल अभी बैठे हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बाहर बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि अभी हल्का हल्का धूप खिल गया है, क्योंकि कल बादल बहुत था, मिट्टी बहुत गिर रहा है, तो आज मिट्टी नहीं है, एकदम साफ है। और गाड़ी वाड़ी धोना नहीं है, मैंने अपनी गाड़ी वाड़ी धोना नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी साफ़ है मेरी, अभी इधर लगी है गाड़ी,
क्योंकि इस समय कोई भी आदमी बाहर नहीं रहता और सब घर के अंदर रहते हैं, क्योंकि ड्यूटी के समय होता है, जो ड्यूटी करने वाले होते हैं वो ड्यूटी चले जाते हैं और बाकी ड्राइवर लोग सोए रहते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है अभी। स्कूल चालू हो जाता तो इतने टाइम गाड़ियाँ चलती हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको गली में कहीं भी गाड़ी आपको नहीं दिखेंगी, बहुत कम गाड़ी दिखेंगी, क्योंकि जो भी ऑफिस में काम करने वाले होते हैं उन्हीं जाते हैं। और फिलहाल आज खमीस भी है, तो चलता हूँ अभी खाना वाना बना के, फिर देखता हूँ जाके उसका गैस भरा के लाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारा फ़ायदा ही कराते हैं, तो ऐसे आदमी की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि हम लोगों को 10-5 कहीं से आ जाए तो अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल खाना वाना बना के फिर आपको मिलते हैं। तो जो भी हाउस डिनर में आने के लिए सोचते हैं वो ये वीडियो उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि ये ब्लॉग देखते रहेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ हाउस ट्रेवल में क्या क्या करने पड़ते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम आप लोगों के हेल्प के लिए बस थोड़ा बहुत वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि कंपनी में और हाउस ड्राइवर में काम करने का क्या फ़र्क है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में हमेशा बने रहना, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि हर चीज़ का मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बजे ड्यूटी जाना होता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या मतलब कराते हैं मालिक लोग। तो दोस्तों बस अभी चलता हूँ, खाना वाना थोड़ा बना लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ आगे ब्लॉग में दोस्तों। तो भाई दाल पका रहा हूँ अभी पानी बहुत है भाई, अभी इस दुकान में आया था सामान लेने के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी आया था सामान लेने, सुबह से अभी ड्यूटी लगा है। अभी दिखा देता हूँ समय कितना हो गया मेरे यहाँ, अभी 5 बज गया शाम का। तो थोड़ा सा सामान लेना था तो चलते हैं, आज खमीस है जैसा कि आज थोड़ा ड्यूटी लग सकता है, क्योंकि खमीस और जुम्मा यानी मिफ़ सूख ज़्यादा ड्यूटी लगता है, ये 2 दिन का जो होता है पार्टी पुलटी का दिन होता है। तो अभी देखता हूँ गाड़ी सामने से बहुत तेज आ रही है, तो भाई रिवर्स करने में इस रोड पे काफ़ी दिक्कत पड़ता है रिवर्स करने में, क्योंकि ये रोड बहुत तेज़ है और डबल लाइन का रोड है, मतलब इधर जाम ही जाम रहता है, तो इधर पार्किंग खड़ा कर दो तो दिक्कत आता है निकालने में, तो कभी इधर बहुत गाड़ी लड़ती हैं। तो अभी मैं ले लिया हूँ जो मिठाई लेना था, और पता नहीं क्या ये 300 रियाल का है, थोड़ा सा है पर ये 300 रियाल का, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी ये चीज़ है 300 रियाल का है और पता नहीं कौन सा इसमें अमृत भरा हुआ है, ये इंडिया को गया 6000 का। तो अभी चलता हूँ, तो थोड़ा ड्यूटी लगता है आज के दिन, तो आज के दिन ऐसा होता है कि ये कहीं भी जा सकती हैं पार्टी करने, रात रात भर घूम सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे घर पे ज़्यादा नहीं घूमते। तो फिलहाल इशारा पे आके खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है कि दिन को ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगता, क्योंकि गर्मी का मौसम ऐसा है कि पूछो ना, गर्मी के मौसम में एसी भी नहीं काम करता, इतना धूप पड़ता है यहाँ पर। तो अभी शाम के फ़ोन आया तो बोलते हैं कि जाके होटल पे जाओ, मुझे होटल का नाम भी नहीं पता है, बस अनुभव से आया था, क्योंकि अरबी में लिखा हुआ था, और इसमें मैडम की बहन 2-3 दिन आई थी, तो बोली कि वो मामा के साथ जो गए थे 2-3 दिन वहीं पर जाना है, तो मैं आया अंदाज से, तो निकला वही होटल, लेकिन बगल में दूसरे में होटल में चला गया था, तो बोला नहीं ये साथ का होटल है, तो उधर बात किया। तो सारा सामान भी पैक करके लेके जा रहा हूँ, और देखता हूँ दोस्तों इधर गाड़ी जितनी भी चलती हैं, जितनी भी है गाड़ी, अगर यहाँ पर है जहाँ पर हम लेके बदिया रबो में हैं, बदिया सऊदी में हैं हम, तो यहाँ इशारा बहुत कम मिलता है, मतलब इशारा बहुत कम है, जो भी इशारा है उस पर कैमरे नहीं है, तो इधर काफ़ी सेफ्टी है ड्राइवर के लिए, क्योंकि ये एरिया बीजी वाला नहीं है, पूरा मतलब नॉर्मल है, जो हैं इधर मीडियम लोग रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है इधर, क्योंकि पहले 15 नंबर पर रहता था तो काफ़ी मुश्किल होता था, तो अभी इधर हूँ तो बहुत आसान है, क्योंकि इधर आए ना फाइन आएगा ना किसी चीज़ का दिक्कत आएगा, बस आप गाड़ी सही से चलाओगे, अब लड़े ना गाड़ी बस, क्योंकि मैं 3 साल हो गया इधर, अभी सारा खुल गया 3 साल, जब 3-3.5 साल इधर होने वाला है, अभी ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया जो गाड़ी का प्रॉब्लम हो। और उधर 15 नंबर पर रहता था तो उधर बहुत मतलब बिजी एरिया था, उधर बहुत देखभाल की गाड़ी, और उधर ड्यूटी भी बहुत था। तो अभी फ़िलहाल देखता हूँ मैडम कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि सामान तो पैक करा के लेके जा रहा हूँ,
बस यहाँ एक ही दिक्कत है, एक ही चीज़ का दिक्कत है, आप जिस लाइन पर मैं जा रहा हूँ इस लाइन पर अगर जा रहे हो अगर स्लो हो तो पीछे वाला आएगा तो आपको जरूर, अगर आप तेज भी नहीं रहोगे तो आपको हटना ही हटना पड़ेगा क्योंकि वो एकदम सटाह देगा, आपको इशारा डीपर भी मारेगा, तो नहीं हटोगे तो गुस्सा होते हैं सऊदी लोग, क्योंकि ड्राइवर को देख के लोग ना काफ़ी कभी तो इंसान अच्छे होते हैं, काफ़ी कभी तो थोड़ा कोई कोई इंसान अच्छे होते हैं जो ड्राइवर का इज्जत करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होते हैं कि बस आपको बस देखेंगे ड्राइवर है तो आपको परेशान कर देंगे पीछे से हॉर्न मार मार के। तो अभी जो नया होता है उनके लिए दिक्कत होता है, लेकिन पुराने जो होते हैं उनके कुछ भी दिक्कत नहीं होता, पुराने तो किसी भी डरते नहीं है क्योंकि उनको गाड़ी का नियम कानून सब पता हो जाता है कि गाड़ी इस लाइन में है तो इतना स्पीड में है, तो इतने इस लाइन में है तो कितने की स्पीड है, तो हम कितने में जा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जितना डीपर मारे। तो फिलहाल अभी मैं इधर फिर इशारा आ गया, एक इशारा बहुत पड़ता है इधर कदम कदम पर, लेकिन एक चीज़ का सेफ्टी है इधर, इधर जो भी इशारा है इधर कैमरा नहीं है, कैमरा होता तब दिक्कत आता है, तो इसलिए इधर बहुत अच्छा लगता है हमें गाड़ी चलाने में, ना फाइन का प्रॉब्लम और ना किसी चीज़ का। ध्यान से गाड़ी चलाओगे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इधर बीजी एरिया नहीं है ज़्यादा, अच्छा है और मुझे तो इधर बहुत सही लगता है। तो जो भी ड्राइवर आता है उसको काफ़ी मतलब इधर आसान है नए के लिए, लेकिन जो पुराने ड्राइवर होते हैं उधर ओलैया साइड में मेन रियाद गैलरी की तरफ उधर 15 नंबर 20 नंबर की तरफ होते हैं, मतलब जहाँ बिजी एरिया होता है वहाँ उनको भी डर लगता है क्योंकि उधर बहुत सारे कैमरे हो गए हैं, अभी इतना कैमरा लग गया है कि पूछो ना, इतना कैमरा लगा हुआ है कि जगह जगह कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे। लेकिन इधर उस तरह एरिया नहीं है, इधर पूरा सिंगल रोड है जो भी है, ज़्यादा मतलब उस तरह नहीं है, तो इधर काम करना बहुत आसान है। तो देख रहा हूँ अभी स्कूल खुलने वाला है क्योंकि मैं काम ढूंढ रहा हूँ काम के लिए। तो भाई अभी मैं खाना दे दिया क्योंकि अभी हो सकता है कि ना निकले, शाम तक निकले, अभी काफ़ी टाइम है, अभी 5:30 बज रहा है, तो फिलहाल चलते हैं रूम पे अपने, क्योंकि अगर निकलना होता तो उसी वक्त निकलते हैं, तो अभी नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे भी तो शाम के निकलेंगे, नहीं हो सकता मेहमान घर पर आएँ, भाई इधर मुझे इसलिए इनके घरों पे ड्यूटी करना हाउस जगह पे कोई मुश्किल नहीं है, आपको आसान है क्योंकि बस आप कभी कभी ऐसा ऐसा काम करना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसे समय में ड्यूटी लगती है ना जिसमें पूरा मूड ख़राब होता है, अगर आप खाना खाने बैठे हो तो आपका फ़ोन आ जाता, अगर आप लेट अगर नहा रहे हो तो फ़ोन आ जाता, तो उसी वक्त वो बोलेंगे सुरा सुरा अल्लाह सुरा, मतलब जल्दी करो आ जाओ फटाफट, तभी गुस्सा लगता है। लेकिन बस इसमें यह है कि आप कभी भी सोए जागे रहोगे कभी भी ड्यूटी लग सकती है, और एक फ़ायदा और रहता है आप 24 घंटा में मतलब अगर ड्यूटी लगी नहीं भी लगती है कभी कभी पूरा 24 घंटा आपको गाड़ी छूना नहीं होता है, तो किसी किसी घर में तो ड्यूटी ऐसा नहीं है कि ड्यूटी नहीं लगता, जिसमें फैमिली ज़्यादा है तो उसमें ड्यूटी लगता है। अभी स्कूल का समय आएगा तो काफ़ी दिक्कत होता है, तो लेकिन स्कूल के समय में ऐसा होता है कि आपका टाइम फिक्स बंद हो जाता है, जिस घर में अगर समझदार इंसान रहते हैं जिस घर में कपिल और मैडम और फैमिली सही है उसमें तो बहुत अच्छा ड्यूटी करना होता है स्कूल के समय में, अगर जिस घर में मतलब बस समझते नहीं है बस उनको काम ही काम है तो उस घर में ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इधर जितने भी लोग रहते हैं इस एरिया में लगभग सारे ठीक हैं, अभी जब से इधर लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं तो वैसे वैसे घरों में गाड़ी चला रही हैं जिसके घर में ड्राइवर की काफ़ी दिक्कत होता है, और ड्राइवर टिकते नहीं थे, लड़ाई होता था, आते थे तो बहस होता था काम के लिए, तो उसी घर में लगभग लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं, और जो अमीर है जिस घर में अमीरी है मतलब जो घर अमीर है जिसमें पैसे की कमी नहीं है गाड़ी स्टरा है वहाँ लड़कियाँ चला रही हैं, क्योंकि मिडिल क्लास वाले बहुत कम चला रहे हैं, जो गरीब टाइप के होते हैं वो एकदम चला रहे हैं, जो मीडियम वाले होते हैं वो अभी नहीं ज़्यादा चलाते क्योंकि उनके पास गाड़ी रखने के लिए उनको गाड़ी धुलना है, गाड़ी का साफ़ सफाई करना है, सारा कुछ मतलब ड्राइवर ही करता है, तो उनका लगभग अगर वो महत्ता पर धुलाते हैं तो उनका 50 रियाल लग जाता है, तो इसी वजह से किसी किसी घर में भी पूरा ड्राइवर हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर बंद हो गए या ना, ड्राइवर बहुत आते जाते हैं, तो ये काम ऐसे सालों साल चलेगा, लेकिन रोज़ का रोज़ स्थिति ख़राब होता जा रहा है। और चलते हैं अभी फटाफट रूम पे अपने।